इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फोर के चैप्टर नंबर फिफ्टीन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जिसमें हम हेडिंग फिफ्टीन पॉइंट फाइव फोटोपेरियोडिज्म हेडिंग फिफ्टीन पॉइंट सिक्स बर्निलाइजेशन को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे समझेंगे रट्टा मारेंगे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग फिफ्टीन पॉइंट फाइव फोटो पेरियोडिज्म के बारे में चलिए शुरू करते हैं फोटोपेरियोडिज्म ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ प्लांट में फ्लोरिंग को इंड्यूस करने के लिए लाइट के पेरियोडिक एक्सपोजर की आवश्यकता होती है ये भी देखा गया है कि ऐसे प्लांट एक्सपोजर टू लाइट के ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए सक्षम होते हैं रिक्वायर्ड लाइट की ड्यूरेशन के आधार पर प्लांट को तीन के रूप में रखा गया है लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट डे नेचुरल प्लांट सबसे पहले हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट के बारे में लॉन्ग डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट लाइट के एक्सपोजर की जरूरत क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा पीरियड के लिए होती है वहीं शॉर्ट डे प्लांट में शॉर्ट डे प्लांट में लाइट के एक्सपोजर की ज़रूरत क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम पीरियड के लिए होती है इन्हें यह जरूरत फ्लोरिंग से पहले होती है क्रिटिकल ड्यूरेशन डिफरेंट पौधों के लिए अलग अलग होती है अभी हम बात कर रहे हैं डे नेचुरल प्लांट के बारे में डे नेचुरल प्लांट डे नेचुरल प्लांट में लाइट ड्यूरेशन के एक्सपोजर तथा फ्लोरिंग रिस्पॉन्स में कोई रिलेशन नहीं होता है अब भी यह ज्ञात है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड की तरह ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड भी इक्वल इंपोर्टेंस होता है इसलिए यह कहा जा सकता है कुछ पौधों में फ्लोरिंग केवल लाइट तथा डार्क एक्सपोजर के कॉम्बिनेशन पर ही डिपेंड नहीं बल्कि उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करती है डे नाइट के पीरियड के लिए प्लांट का यह रिस्पॉन्स फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है फ्लोरिंग से पहले जब सूट ऐपिस एपिसीज, फ्लोरिंग एपिसीज़ में मॉडिफाई होती हैं परंतु वे प्लांट की सूट एपिसीज स्वयं फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर सकती लाइट डार्क ड्यूरेशन के परसेप्शन की साइट लीप्स होती हैं हम जानते हैं कि हार्मोनल सबस्टेंस फ्लोरिजन फ्लोरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है यह हार्मोनल सबस्टेंस फ्लोरिंग को इंड्यूस करने के लिए लीप्स से सूट एपीसीज में केवल तभी जाता है जब प्लांट को नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड में एक्सपोज करते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.6 पॉइंट सिक्स के बारे में वर्निलाइजेशन कुछ प्लांट फ्लोरिंग के लिए लो टेम्परेचर को एक्सपोजर पर क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट रहते हैं इस फिनोमेना को वर्नलाइजेशन कहते हैं यह लेट ग्रोइंग सीजन में प्रिकोकिया समय से पहले पका हुआ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोकता है तथा पौधों को मेचोरिटी तक पहुंचने के लिए सफिशियंट टाइम उपलब्ध कराता है वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर पीरियड में फ्लोरिंग को प्रमोटन को कहते हैं कुछ फूड प्लांट जैसे वीट बाले तथा वाई में दो वेरायटीज़ होती हैं विंटर तथा स्प्रिंग अभी हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग वेराइटी के बारे में स्प्रिंग वेरायटी स्प्रिंग वेरायटी नॉर्मली स्प्रिंग में बोई जाती है एंड इनमें फ्लोर आते हैं तथा ग्रोइंग सीजन की समाप्ति से पहले ही ग्रेन को प्रोड्यूस करती हैं वहीं बात करें विंटर वेराइटीज़ के बारे में यदि विंटर वेराइटीज़ स्प्रिंग में बोई जाती हैं तो ये फ्लोरिंग सीजन के दौरान फ्लोअर तथा मैच्योर ग्रेन को प्रोड्यूस करने में असफल रहती हैं इसलिए इन्हें ऑटम सीजन में बोया जाता है विंटर वेराइटीज़ जर्मिनेट होने होते हैं तथा विंटर में स्मॉल सीडलिंग के रूप में बाहर आते हैं फिर स्प्रिंग में ग्रोइंग करते हैं तथा लगभग मिड समर के दौरान काट लिए जाते हैं हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं बर्नलाइजेशन इन बाइनियर प्लांट्स के बारे में बर्नलाइजेशन इन बाइनियल प्लांट्स बाइनियल्स मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं जो नॉर्मली सेकेंड सीजन में फ्लॉर प्रोड्यूस करते हैं एंड मर जाते हैं शुगर बीट कैबेज कैरट कुछ कॉमन बाइनियल प्लांट्स हैं यदि ग्रोइंग बाइनियल प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये सब सिक्वेंट आगामी फोटोपेरियोडिक फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स को स्टूमुलेट करते हैं आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने एंड करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत